गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जय महाकाल। तो आज महाकाल में है हम लोग का लास्ट दिन, यानी कि आज हम लोग को जाना भी है। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और अभी हम लोग को काल भैरव मंदिर दर्शन करने जाना है और 11 बजे हम लोग की ट्रेन भी है। और इतनी बारिश आ रही है, इतनी ज्यादा बारिश आ रही है रात ही से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या हो। दर्शन भी करना है, ट्रेन भी पकड़नी है और सारे लोग तैयार होके ऐसे बैठे हैं। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आता, मतलब बारिश ना बिना समय के होने लगती है ना, तो फिर बहुत बेकार लगता है। और कभी जब चाहो कि बारिश हो तो फिर बारिश होती नहीं है। आज हम लोग सब लोग बैठ के यही मना रहे हैं कि बारिश रुक जाए, रुक नहीं रही है। बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, ये भी नहीं कि धीरे, अगर हम लोग निकलना भी चाहें ना तो भीग जाएंगे। और सारे कपड़े हम लोग के गीले हैं, कल हम लोग नदी में नहा लिए थे वो भी कपड़े नहीं सूखे हैं, पूरी रात बारिश हुई है। तो बस अब यही है कि जल्दी से बंद हो बारिश तो हम लोग जल्दी से निकले। मैं सोच लाओ ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं और आप लोग को बता भी देते हैं कि हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हैं यहाँ महाकाल में। कोई नहीं, सब ऊपर वाले हैं, कोई न कोई तो अभी उपाय होगा ही। और ये है कल का वीडियो जो कि ओमकारेश्वर नर्मदा नदी में हम लोग नहाए थे, बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, आप लोगों को नहीं दिखाई थी, तो वही मैं सोची लाओ आज दिखा देती हूँ। तो कल की वीडियो ना लंबी हो जा रही थी इसलिए मैं उसको छोड़ दी थी। तो आज की वीडियो में आप लोग देखिएगा कितना हम लोग इंजॉय किए थे। और अब बारिश बंद होने के बाद हम लोग आ गए हैं उज्जैन के काल भैरव मंदिर। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। नारियल लड्डू, अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती है क्या? ये बीटनी है, सुबह सुबह आके पैक कर देंगे, सुबह सुबह बीटनी है। पैसा देखिए, कुछ पैसा पा गए हैं कुछ का ना है? पैसा पा गए हैं, आपने 100 दे दिए ना? आपने दीजिए तो हम लोग ने प्रसाद ले लिया है और अब हम लोग चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और अभी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है और मौसम मतलब ऐसा बारिश बारिश का बना है ना, लेकिन मौसम की वजह से भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और सुबह सुबह का टाइम था तो भीड़ नहीं थी, नहीं तो यहाँ काफ़ी लाइन लगती है, काफ़ी लंबी लाइन। और यहाँ पर हम लोग के दर्शन हो गए हैं, पूजा हो गया है। और ये जो उसमें धागा था ना उसको हम लोग बाहर बांध रहे हैं, सब लोग अपना अपना बांध रहे थे, तो मैं इधर साइड बांध रही थी, जो भी जिसको मन्नत उन्नत कुछ भी मांगना है तो वो अपना करके। और यहाँ पे गांठ लगा रहा था तो मैं भी यहाँ इधर लगा रही थी। और उसके बाद से चलते हैं फिर बाहर और कुछ खाते पीते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था, कोई किसी ने भी चाय तक नहीं पिया था। तो अब चलते हैं बाहर। यहाँ पर मेरी बेटी ना ये खिला रही थी, यहाँ पे एक डॉगी था बहुत प्यारा तो उसको बिस्किट खिला रही थी। इसको जानवरों से बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों ना जहाँ भी देखती है तो बिना कुछ खिलाए वहाँ से हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे एक दिख गया था ना मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे, तो उसको बिस्किट खिला रही है। तो अभी हम लोग ने नाश्ता कर चुका है, आज फिर से हमने पोहे खाए, कुछ लोगों ने कचौड़ी खाई, हम लोग ने कल कचौड़ी खाई थी तो हम लोग ने कहा कि नहीं हम लोग पोहा ही खाएंगे, हम लोग ने पोहा चाय खाया है। उसके बाद हम लोग एक दुकान पर गए थे, काफ़ी सारा सामान ले लिया वहाँ पर देने वाला, और अच्छे तरीके से माला और गले का पहनने वाला, हाथ में पहनने वाला, ये सब देना पड़ता है ना आपको प्रसाद में, वही हम लोगों ने लिया है। तो थोड़ा सा लिए हैं, थोड़ा भी लेना है, अब जा रहे हैं और सामान ले लिए प्रसाद का। तो यहाँ पे थोड़े बहुत और सामान लेने थे हम लोग को, तो वही ले रहे हैं सब लोग। और प्रसाद में ये सब देना पड़ता है ना सभी को, तो वही कुछ कुछ सामान हम लोग ले रहे हैं। और अभी ना हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार और फिर से महाकाल के दर्शन कर लें, तीसरी बार, दो बार तो हम लोग ने कर चुके हैं, तीसरी बार मन हो रहा है। और आज हम लोग की ट्रेन भी है, हम लोग की ट्रेन 11 बजे है और अभी 8 या 9 बज रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं लाव कर लेते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के ना ड्रेस बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे महाकाल वाले, तो वही मेरी भाभी वाभी ना ले रही हैं बच्चों के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं चूड़ी कंगल लेने, माँ दिखाओ, माँ देख रही है अभी चूड़ी कंगल देने के लिए ही डिसीजन ले रही हैं और काफी सुंदर सुंदर है यहाँ पे, तो देखते कौन कौन से ले। और यहाँ पे सब लोग चूड़ी कंगन ले रहे थे और इस समय सावन चल रहा है ना, तो ज्यादातर ग्रीन ग्रीन था और ग्रीन ग्रीन ज्यादा सब लोग ले भी रहे थे सावन स्पेशल,
तो सब लोग चूड़ी कंगन जिसको लेना था ले लिए। फिर इधर बैग्स लगे थे बहुत सारे, छोटे बड़े हर तरह के वर्क वाले, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद लेने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, डमरू ले रहे हैं, जो कि सब लोग कह रहे थे कि डमरू यहाँ से ले जाना चाहिए। बारह बेचते 15 दी आपको। देखो अभी शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर से आ गए एक और बार दर्शन करने महादेव के। दर्शन हो गए और हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। आज मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया उज्जैन का, क्योंकि दो व्लॉग में आप लोगों ने देख लिए होंगे बाकी के। तो हाँ, आज बस मेन दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग की ट्रेन भी है। तो अभी हम लोग ने शॉपिंग वॉपिंग कर ली, ज़्यादा सामान तो लिया नहीं है क्योंकि कुछ था नहीं यहाँ पे उतना, बस प्रसाद और थोड़ा माला वाला टाइप वो सब ले लिया है। और अभी हम लोग होटल खाली कर रहे हैं, ई रिक्शा से जा रहे हैं स्टेशन पे। और यहाँ पे हम एक अंकल मिले, वो दूसरी कास्ट के थे, मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत हेल्प की। और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, वो हमें ट्रेन में मिले थे और ट्रेन से अभी तक साथ में, होटल वोटल भी उन्हीं ने हमको ढूंढ के दिया था। सो हाँ, लोग होते हैं अच्छे। तो अब चलते हैं स्टेशन पे और फिर देन बैक टू लखनऊ। और होटल पहुंच के हम लोग ने अपने सामान पैक किए, अब निकल लिए हैं रेलवे स्टेशन के लिए, ऑटो में बैठ गए हैं। तो अभी हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और हमारी ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में, 10-20 मिनट में आ जाएगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आ रही है, तो ज़्यादा भागना नहीं पड़ा हमें सामान लेके। आप डायरेक्ट ट्रेन में मिलते हैं, क्योंकि स्टेशन में बहुत भीड़ है। बाय बाय, बाय बाय उज्जैन, बाय बाय उज्जैन, बाबा फिर बुला ले। और अब हम लोग की ट्रेन उज्जैन से चल रही है, और 4-5 दिन कैसे बीत गए उज्जैन में बिल्कुल पता भी नहीं चला, इतना अच्छा लगा। और अब जब जाना हो रहा है ना, तो अंदर से बहुत अजीब लग रहा है, बहुत खराब।